अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मुझे भी मेरे काफ़ी दोस्तों वगैरह ने रेकमेंड किया कि यार तुम भी व्लॉग बनाओ, क्या पता तुम्हारा व्लॉग चैनल चल जाए या काम कर जाए। ठीक है, ऐसे भी बंदे की लक का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त कब अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ ले। ठीक है, और वसीले बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है क्योंकि वो हमें हर काम में मदद देता है। वैसे वो कहते हैं ना कि दुआ के साथ बंदे को दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हर काम में हो जाता। हर काम के पीछे इंसान को कुछ ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर जाके इंसान का वो काम। आई होप के उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी मदद करेंगे। जैसा कि आज के व्लॉग में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कौन हूँ, किधर से हूँ, क्या करता हूँ, जो कि डेली रूटीन सब कुछ जो भी जैसा भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मुझे भी मेरे काफ़ी दोस्तों वगैरह ने रेकमेंड किया कि यार तुम भी व्लॉग बनाओ, क्या पता तुम्हारा व्लॉग चैनल चल जाए या काम कर जाए। ठीक है, ऐसे भी बंदे की लक का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त कब अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ ले। ठीक है, और वसीले बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है क्योंकि वो हमें हर काम में मदद देता है। वैसे वो कहते हैं ना कि दुआ के साथ बंदे को दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हर काम में हो जाता। हर काम के पीछे इंसान को कुछ ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर जाके इंसान का वो काम। आई होप के उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी मदद करेंगे। जैसा कि आज के व्लॉग में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कौन हूँ, किधर से हूँ, क्या करता हूँ, जो कि डेली रूटीन सब कुछ जो भी जैसा भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ये मेरा पहला व्लॉग है और आज मुझे भी मेरे काफ़ी दोस्तों वगैरह ने रेकमेंड किया कि यार तुम भी व्लॉग बनाओ, क्या पता तुम्हारा व्लॉग चैनल चल जाए या काम कर जाए। ठीक है, ऐसे भी बंदे की लक का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त कब अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ ले। ठीक है, और वसीले बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है क्योंकि वो हमें हर काम में मदद देता है। वैसे वो कहते हैं ना कि दुआ के साथ बंदे को दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हर काम में हो जाता। हर काम के पीछे इंसान को कुछ ना कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर जाके इंसान का वो काम। आई होप के उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी मदद करेंगे। जैसा कि आज के व्लॉग में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कौन हूँ, किधर से हूँ, क्या करता हूँ, जो कि डेली रूटीन सब कुछ जो भी जैसा भी होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। ओके जी, जैसा कि मेरा नाम श्याम जट है,
ठीक है, एफ बी नेम श्याम जट है। वैसे मुझे सब लोग मेरे घर वाले बाकी रिलेटिव वगैरह मुझे सब प्यार से शामी शामी भी कहते हैं। ठीक है, रहने वाला मैं फैसलाबाद से हूँ और जैसा कि आपको पता होगा फैसलाबाद यानी पंजाबी भी बड़ी मशहूर हिंदी है। ठीक है, उन्होंने फैब्रिक भी और बस यही डेली रूटीन लाइफ ये है कि अकेडमी से स्टडी के बाद घर आगे फिर पढ़ाई और ये सब काम कर लेते हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे सारा व्यू, ये मेरी घर की बैक साइड है, देखिए। ठीक है, और अब हम रेडी होंगे अकेडमी के लिए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, जैसा कि हम अब अकेडमी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे और तालीम हासिल करने के बाद हम फिर वापस घर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, तो भाई लोगों, इस वक्त हम अपनी अकेडमी के बाहर खड़े हैं, हिलमनूर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे मैंने 4 साल अपने गुजारे हैं, ठीक है, और 4 साल पहले भी मैं यहाँ ही था और 4 साल बाद भी मैं यहीं हूँ। और माशाल्लाह लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए, लेकिन मैं अभी तक यहीं हूँ और शायद यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आजकल हर कोई बंदा दौड़ में लगा हुआ है। और हम जैसा कि पहले बताया है कि 4 साल पहले भी यहाँ थे और 4 साल बाद भी यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं। और ये हमारा बहुत ही अच्छा स्कूल है जहाँ हमने बहुत ही एक अच्छा अरसा इंजॉय किया है और यहाँ का स्टाफ टीचर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और ये है भी कहाँ पे ये बाबा चकली टाउन सरगोदा रोड फैसलाबाद। जी, तो जैसा कि एकेडमी से फ्री होने के बाद पढ़ने के बाद आज जुमेरात का दिन है वैसे भी, तो जुमेरात वाले दिन मैंने इधर इमाम बारगाह में आना होता है। ये इमाम बारगाह दर्रे सजाद है जो कि हमारे घर के थोड़ा सा करीब पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सलाम करना होता है इधर, ठीक है। ये देखें, कल इमाम सजाद की पैदाइश का और हज़रत गाज़ी अब्बास की भी पैदाइश का पिछले दिनों था, तो माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे तरीके से इमाम बारगाह को सजाया गया है। और ये देखें, आपको अंदर से भी दिखा देते हैं, ये देखें, ये अंदर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से ताबूत वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह डेकोरेट किया हुआ है। ये एक रोज़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको जुलूस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है सारा। बाकी अल्लाह ताला आपकी और हमारी हम सब की मुरादें पूरी करे, आमीन। जी, तो यहाँ पर हमारे पहले व्लॉग का एंड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब लाजमी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।